बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ ज़मीर महमूद और आप देख रहे हैं टेक्निकल ज़मीर यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो से इस्तफादा हासिल कीजिए। यहाँ पर रेड बटन बना हुआ होगा या वीडियो के नीचे बना हुआ होगा, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, इससे ये होगा कि आने वाली वीडियो की जो अपडेट है आपको मिल जाया करेगी। मैं यूट्यूब की अर्निंग, एंड्रॉयड मोबाइल से अर्निंग, ब्लॉगिंग अर्निंग, कंप्यूटर ट्रिक्स और मोबाइल ट्रिक्स की वीडियो मैं देता रहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को देखते रहिए। आइए हम अपना काम करते हैं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप YouTube का जो वीडियो बनाते हैं उस पर जो सामने आपको थंबनेल नज़र आती है वो कैसे बनाई जाती है। असल में थंबनेल होती क्या है? थंबनेल ये जो मैंने बनाया है, किसी भी कंप्यूटर में कोई भी लैंग्वेज सेट करें, उर्दू हिंदी भी लिख सकते हैं। इस तरह की जैसे ये मैंने है, सिर्फ 25 मिनट में वीडियो एडिटिंग सीखें। ये जो मैं तुम बनाई है, शो जो हो रही है, इसे असल में थंबनेल कहते हैं। वो आज मैंने आपको सिखानी है कोरल ड्रा में। कोरल ड्रा मैंने X7 इंस्टॉल किया हुआ है, ये उसके दूसरे वर्जन है। कोरल ड्रा 4.2 पेंट है, कंटेंट है, ये बात दूसरे वगैरह वर्जन है, इसकी ज़रूरत आपको नहीं है फ़िलहाल। जैसे कि ये पॉइंट कोरल फोटो पेंट है, जैसे फोटोशॉप वगैरह है उस तरह का मिलता जुलता है। फ़िलहाल हम क्योंकि आप अगर उर्दू में बनाना चाहते हैं तो उर्दू में अगर बनाना चाहते हैं तो इससे सबसे बेहतर यही है कि आप सबसे पहले ओपन कीजिए इन पे, पहले इन पेज ओपन करना है, बाद में कोरल ड्रा ओपन करना है। इससे ये होगा कि कॉपी पेस्ट जो होता ही है फाइल इन पेज से कोरल ड्रा, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आता, फिर ये अच्छी तरह कॉपी पेस्ट हो जाती है। जैसे कि मैंने अपना ये लिखा हुआ है इन पेज में, जो अपना कंटेंट लिखा हुआ है आप भी लिख सकते हैं, जो अपने जो थंबनेल बनाने उसके मुताबिक। F8 को प्रेस करिए तो कीजिए तो जो टेक्स्ट जो है, जो स्क्रीन है सॉफ्टवेयर की, जो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी उसको इस तरफ कर लीजिए, इस तरह थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। इसके बाद है कोरल ड्रा मैंने ओपन कर रखा हुआ है, इसे आप यहाँ पर यहाँ से न्यू फाइल भी कर सकते हैं, या फिर या जो प्लस का साइन बना हुआ है यहाँ पर क्लिक कीजिए और इसको जस्ट आपने कुछ नहीं करना, इसको कर देना है। आप नाम रख सकते हैं, नाम रखने के बाद आप कीजिए ओके, यानी कि एक और विंडो हमारी ओपन हो जाएगी। ये जो आपको नज़र आ रहा है बॉक्स, इसको कीजिए ये है लैंडस्केप कीजिए, ताकि इस तरह हमारी थंबनेल साइज़ की होती है ना। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने जो साइज़ होता है थंबनेल का वो क्या होता है, यहाँ पर जो है रेक्टेंगुलर टूल दिया है उसको कीजिए सेलेक्ट और कहीं भी जितना भी आप दिल करता है इसे ड्रा कर लीजिए। इसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इसका साइज़ होता है 11, टैब दबाइए फिर लिखिए 6, कीजिए इंटर। ये जो पूरा साइज़ सेट हुआ है असल में ये थंबनेल सेट हुई है जो हमने वीडियो के ऊपर लगा जाते हैं, जिसको उसके ऊपर रख लीजिए या कहीं भी किसी भी जगह इसको टच कर सकते रख सकते हैं, इसे ज़रूरी नहीं इसके बीच में ही रखना है, यानी कि इसके अंदर हम आप अपना डिज़ाइन बनाएंगे। इसको कोई भी इसका कोई भी कलर कर लीजिए, ग्रीन है, येलो है, ब्लू है, यानी ब्लू रखते हैं, इसको कलर हो गया। इसके बाद अब हमने करना क्या है कि अब ये तो हो गए, इसके अंदर हमने जो कुछ भी करना है इसके अंदर ही करना है। तो यहाँ पर इन पेज लिखे हुआ, यहाँ पर जो है आपको नज़र आ रहा है इसको कीजिए, यहाँ पर जो तीर का निशान नज़र आ रहा है ये वाला इसको कीजिए सेलेक्ट। इसके बाद ये वाला इस तरह का नज़र आ जाएगा तीर,
इसके बाद राइट क्लिक कीजिए, इसके बाद सिलेक्ट ऑल, फिर राइट क्लिक कीजिए और इसके बाद कीजिए कॉपी, फिर कोल ड्रा में जाइए, कोल ड्रा में जाकर साइड में कहीं में जाकर कीजिए पेस्ट। ये देखा सारा शो, सारा जो टेक्स्ट है हमारा बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आ गया है। और इसके बाद जो है जो ये वाला है इसके ऊपर कीजिए, कोई भी आप साइज़ रख सकते हैं जिनके, फाइव टैब दबाइए, फिर फाइव दबाइए, कीजिए इंटर। इससे ये होगा कि साइज़ इसका हो जाएगा थोड़ा, इसको कीजिए थोड़ा सा बड़ा ताकि आपको अच्छी तरह नज़र आना शुरू हो जाए। तो इसके बाद क्या करना है आपने, इसके बाद इसको करना है हमने सेट, इसको कीजिए कंट्रोल क्यू। इससे ये होगा जो इसकी बीच में खाली जगह होती हैं टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट कई लफ्ज़ों से मिलकर बनते हैं ना, इसलिए जो कई जो वर्ड्स होते हैं इस तरह आपस में मिल जाते हैं कंट्रोल क्यू करने से। अब इसको अपने मुताबिक सेट कर लेते हैं, इसको कंट्रोल दोबारा से सेलेक्ट कीजिए, इसे कंट्रोल यू दबाइए, से अनसेलेक्ट हो जाएंगे। इससे यह है कि कोई भी आप पकड़ सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ये देखें को पकड़ लो इसके, हाँ यहाँ पर आप जूम करके इसे थोड़ा सा सेट कर सकते हैं, फिर ये एरो को पकड़ो और जहाँ को जहाँ दिल करता है इसको सेट करें। मैं करता हूँ सेट, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो इस तरह लंबी हो जाएगी, मैं थोड़ा सा तेज़ी के साथ काम करता हूँ, ठीक है। आप सिर्फ देखते रहिएगा अब बना क्या है, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बताता भी रहूँगा। ये है, इसके बाद इसको कलर कीजिए, इसको कलर करते हैं रेड, सॉरी इसको कलर करते हैं येलो कर लेते हैं, ठीक है। इसको ले आओ इसकी बीच में, F12 दबाइए और इसके बाद कीजिए जो आपसे आउटलाइन देनी है, या आउटलाइन देने के लिए फर्ज कर लेते हैं हम देते हैं 8, और ये वाला सिलेक्ट कीजिए, इसे सिलेक्ट कीजिए, ये जो दो है इसे ज़रूर सिलेक्ट कीजिए और कीजिए क्लोज। इसकी जो देखें जब इसको करेंगे राइट क्लिक कीजिए, इसका जो है वर्ड्स का जो बैकग्राउंड्स वर्ड की जो आउटलाइन है वो सेट हो जाती है इस तरह। उसको लगा कर देखते हैं शायद अच्छा लग गया, ये को नज़र नहीं आ रहा, रेड देखते हैं, ये रेड नज़र आ रहा है, हाँ ठीक है। इसके बाद आप कंप्यूटर को जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको उठाइए, इसको उठाइए और यहाँ पर कीजिए इसे बोल्ट, यानी इससे बोल्ट नहीं हो, ये यहाँ से हो गया इसको। अच्छा आउटलाइन यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, ये भी आउटलाइन देने के लिए कंट्रोल एफ से भी दबा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, सॉरी इसको सेलेक्ट नहीं किया था, इसको कीजिए सेलेक्ट, जहाँ पर कीजिए रेड पर जाए कि राइट क्लिक, अच्छा ये नहीं है ये, अच्छा सॉरी ये था, इसको कीजिए ये देखिए, ये था हमारा बड़ा साइज़ हो गया था, इसको करते हैं कम साइज, ठीक है इसको ले कर जाते हैं ये, ठीक है यानी कि इसको करते हैं छोटा, इसको करते हैं ऐसे ताकि इसके ऊपर पूरा ही आ जाए, ठीक है। और अगर आप आउटलाइन देना चाहते हैं तो कोई भी राइट क्लिक कीजिए आउटलाइन हो जाए, लेकिन हमारे जो साइज़ रखा हुआ है उसको ज़्यादा रखा हुआ है, कंट्रोल जी दबाइए वापस चले जाए, ठीक है। तो अगर आपने इसका साइज़ कम करना है तो इसका कम कर दिए 4, अब कोई ना कोई दे सकते हैं जैसे कि ये थोड़ा सा कम हुआ, कंट्रोल जी दबा दिए। फिलहाल मुझे तो यही अच्छा लग रहा है, आप जैसे आपको चाहे तो पार शो करें, इसको उठाइए, इसको कीजिए थोड़ा सा बड़ा ताकि कुछ नज़र आए, इसको उठा कर यहाँ रखें, और इसको करते हैं इस तरह। आप हर चीज़ को अपने मुताबिक कर सकते हैं।
ठीक है इसको यहाँ पर, क्योंकि वीडियो जो है इस तरह लेंथी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। आपको बताने का मकसद सिर्फ आपका आइडिया है कि किस तरह कर सकते हैं। आप इमेजेस को भी इस तरह आपको डाउनलोड कीजिए, जो आपको इमेज अच्छी लगती है, डेस्कटॉप पर रखिए और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर आके छोड़ दीजिए। कि मिसाल के तौर पर अगर को आपको समझ नहीं आ रही तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरह आपने एक इमेज लेकर आनी है। यहाँ पर जाइए और यहाँ पर लिखिए कंप्यूटर, ठीक है। इसके बाद आपने लिखना है PNG। आप PNG लिख लें, PNG। इससे ये होगा कि PNG लिखने से इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाता है। ये देखिए, ये डॉट डॉट से नज़र आ जाए, यानी कि अपन ये आप उठा सकते हो। इसको कीजिए सेव एज डेस्कटॉप पर लोकेशन, सेव इसे कीजिए क्लोज, और ये जो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप उठाकर यहाँ पर छोड़ दीजिए। इस तरह आपका कंप्यूटर जहाँ भी जो जो साइज सेट करना है आप सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर कीजिए फाइल, इसको सेव कैसे करना है, कंट्रोल ई दबाइए, कंट्रोल ई दबाइए। इसका नाम रखिए जो आपका दिल चाहता है नाम रखिए। इसके बाद आप कीजिए एक्सपोर्ट, आइए हम इसे एक्सपोर्ट करते हैं। इसे दो तरीके हैं, एक तो कंट्रोल ई दबाएंगे तो इसे एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इसे कैंसिल करता हूँ फिलहाल, और यहाँ पर फाइल में आइए और नीचे एक्सपोर्ट लिखा हुआ यहाँ पर कीजिए क्लिक। ये जो है अगर आपका डिफ़ॉल्ट JPG/JPGEG यहाँ लिखा हुआ तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो आप यहाँ से इसको कीजिए और यहाँ पर JPG जो लिखा हुआ है उसे सिलेक्ट आपने करना है। अगर ना हुआ तो आप इसे खुद कर सकते हैं, ये ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद आपने करना है एक्सपोर्ट, वो कहता है नाम रेडी है तो इसलिए हम थोड़ा सा इसका कोई नाम चेंज कर लेते हैं। इसकी जो एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करने के बाद इसकी आप है बाइट बिट वगैरह इसके चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अब आपने जस्ट थंबनेल लगानी है इसे कम रख लें। इसी कीजिए सॉरी, इसका दोबारा आइए 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 इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। बाकी आप इसके मुताबिक आप चेंज कर लेना, आप इसे एक्सपोर्ट कर लीजिए ताकि आपको जो जितनी भी है समझ आ जाए। आप अपने मुताबिक इसे चेंज कर लेना, किस तरह चेंज कर सकते हैं, बाकी चीज़ें जो इसको किस तरह हिसाब से रखना है। एक्सपोर्ट करने के सिर्फ दो मेथड हैं, कंट्रोल ई दबाइए, ये पैनल आ जाता है, ठीक है। इसे आप फिलहाल करते हैं कैंसिल, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है तो इसे कीजिए फाइल, फाइल पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर लिखा है एक्सपोर्ट और इसकी शॉर्टकट की भी लिखी है कंट्रोल ई, यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अपनी लोकेशन सेट कर लीजिए डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के बाद इसके बाद कोई भी आप नाम रख सकते हैं। इसका नाम रखता है नाम रखते हैं एक्सपोर्ट कीजिए। एक्सपोर्ट करने के बाद इसकी जो है ये जो बिट वगैरह है कोई भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ थंबनेल बनानी है। यहाँ पर इसके 24 रख लें, 32 रख लें, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर आके जस्ट क्लिक करना है आपने ओके पर। ये आपको बनाने के लिए डेमो दिखाया गया है, आप खूबसूरत करके बना लीजिएगा। आप देखें ये है तो ये नज़र आ गई, ये नीचे वाइट क्यों नज़र आ रहा है, ये देखते हैं क्यों वह नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो नुक्ते पड़े हुए थे हमारे, हमने ये नहीं उठाए, इसको किसी कोई नुक्ते थे किसी वर्ड्स के, ये मेरे ख्याल में कीजी के थे, कहीं से भी थे, ठीक है। उसको इसके अंदर होते तो वो नुक्तों के बाहर की वजह से उसने सारा बैकग्राउंड ले लिया। तो आप इस तरह की बहुत सारी वीडियो इस तरह आप थंबनेल बना के अपनी वीडियो पर सेट कर सकते हैं। और फिर आखिर में आपसे जाते हुए, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो से आप इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।